सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का और आपको बताएंगे कि वास्तु के समावेश द्वारा किस प्रकार आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वास्तु एक्सपर्ट मनु गुप्ता जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे मनु जी के साथ। मनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मलिका जी। मनु जी आज एक विशेष प्रश्न जो मेरे जहन में उत्पन्न हुआ है कार्यक्रम के शुभारंभ से ही पहले जानना चाहता आपसे और वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगी आपको और वो जानकारी ये है कि ग्रहों का क्या समावेश होता है हमारे जीवन में और वास्तु से जुड़कर किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकता है ये आज आप हमें विस्तारपूर्वक बताएं। मौलिका जी, ग्रह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र की या हम बात करें ज्योतिष की, इन दोनों में ही इन ग्रहों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन इससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ये ग्रह हमारे जीवन में काम कैसे करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं अपनी जगह जगह जा कर के ज्योतिष के विषय से और उसके बाद कंसल्ट भी करते हैं लेकिन उनको उचित रिजल्ट नहीं मिलते जी। इसके पीछे कारण यह होता है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये ग्रह जो हैं वो काम कैसे करते हैं, यानी कि उनके इफ़ेक्ट किस प्रकार हमारे जीवन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी इस बात से ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, हमने अपने जीवन में देखा है, मैं एक सिर्फ चंद्रमा के एग्जाम्पल से इसको आपको बता देता हूँ कि सभी लोगों ने आसमान में चंद्रमा को देखा है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब हम बोलते हैं कि उपग्रह है, ये नेचुरली हमारे पृथ्वी के चक्कर काटता है अंडाकार शेप में, ये गोल चक्कर नहीं काटता, अंडाकार शेप में चक्कर काटता है। और इस वजह से क्या होता है, इसका एक ग्रेविटेशनल पुल है और चंद्रमा हमारे ज्योतिष शास्त्र में मन का, माँ का, संचित धन का और हमारे जो रक्त का प्रवाह होता है शरीर में उसका कारक होता है। तो जो लोग ये जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बात बता रहा था। तो जब ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर काट रहा होता है तो उस समय इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे पृथ्वी पर कुछ असर होता है। वो असर शायद आप जानते हो, ये असर जो होता है ये होता है ज्वार भाटा, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं। तो जब ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के जल को आकर्षित कर सकता है और उसमें टाइड्स लेकर के आ सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी लगभग 70% जल होता है और जब चंद्रमा समुद्र के जल को आकर्षित कर सकता है तो हमारे शरीर के जल को भी आकर्षित करेगा। सिर्फ फर्क यह है कि ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि ये क्यों करता है, कैसे करता है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है और चंद्रमा की स्थिति हमारे ब्रह्मांड में, हमारे वातावरण में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, हर दो दिन में ये एक राशि में परिवर्तित हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा मन पल पल में चेंज होता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि अचानक से कोई आदमी सुबह सुबह उठता है और वो ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, सारे काम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन मेरा बड़ा उदास है आज, उदास है जी। और वो उसका उसका उसको कारण नहीं पता होता है कि वो क्यों इस तरह से हो रहा है। पितृदोष क्या होता है मनु जी और ये किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है ये भी आप हमें बताएं। पितृदोष जो है, वैसे तो खैर सभी लोग आजकल जानते हैं, पितृदोष बहुत पॉपुलर हो रहा है, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन पितृदोष है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या वास्तुशास्त्र के अनुसार पितृदोष तब बनता है जब आपके घर में, आपके पूर्वजों के पक्ष में कोई व्यक्ति इस तरह से उसकी मृत्यु हुई हो कि उसकी इच्छाएं पूरी न हुई हों
और वह अतृप्त रह गया हो या छोटी उम्र में उसकी डेथ हो गई हो, तो आने वाली पीढ़ी की जो जन्म कुंडली है उसमें वह पितृदोष एक खास ग्रह कॉम्बिनेशन की द्वारा देखा जाता है और इसी का प्रभाव वास्तु में भी होता है। वास्तु में पितृ का जो स्थान है वो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यानी कि जिसको हम नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। तो अगर नैऋत्य कोण आपका ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ वास्तु दोष बने हुए हैं, तो आपके घर में पितृदोष का प्रभाव बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और ऐसे में जितने भी शुभ काम होंगे, शुभ काम जैसे आपका बच्चों की एजुकेशन, फिर उनकी आगे नौकरी, फिर उनका आगे शादी, फिर बच्चे, या और भी धन संबंधित काम या पूजा पाठ संबंधित काम, तो इन सब में अक्सर परेशानी देखने के लिए नज़र में आती है। और इस पितृदोष को अगर आप ठीक नहीं करें तो यह आने वाली पीढ़ियों तक चलता ही चला जाता है, और इसके प्रभाव यही होते हैं कि आपका उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता बच्चों का। हम कई बार कहते हैं कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक कारण पितृदोष होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम नकार नहीं सकते। तो नैऋत्य कोण जो होता है, यानी कि साउथ वेस्ट की दिशा, इसका एक एक वास्तु के हिसाब से भी एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि अगर साउथ वेस्ट की दिशा में आपका टॉयलेट का निर्माण है किसी का, सपोज गलती से, तो वहाँ पितृदोष बना रहेगा, क्योंकि वो पितरों के वास की दिशा है जहाँ आपके पूर्वज रह रहे हैं। तो अगर वहाँ आपने टॉयलेट का निर्माण कर दिया है तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आपको या तो वहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए टॉयलेट, या उसका कुछ और उपाय करना चाहिए। निवारण स्वरूप क्या कुछ विशेष बताते हैं आप मनु जी? देखिए, निवारण के लिए, पितृदोष के लिए हम वैदिक रूप से कई उपाय करते हैं, और जनरली आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो भी अमावस्या होती है उसमें आप ब्राह्मणों को पितृस्वरूप मान करके उनको भोजन कराएं, और ये भोजन आप दिन में दोपहर के 12 बजे करवाएं। और दूसरा इसमें ऐसा कर सकते हैं कि डेली के तौर पर आप घर की सुबह सुबह जब खाना बनाया जाता है या नाश्ता बनता है आपके यहाँ, तो आप एक रोटी निकाल लीजिए और उसको 3 टुकड़े कर लीजिए उसके। एक आधा टुकड़ा तो आप किसी रास्ते चलते या बाहर गली के कुत्ते को आप खिला सकते हैं, और दूसरे आधे टुकड़े के 2 भाग कर दीजिए, एक आप गाय को खिला दीजिए और एक आप जो पक्षी होते हैं उनको डाल दीजिए। अगर ये नित्य प्रतिनित्य आदमी अपने जीवन में करता रहता है तो पितृ दोष उसका लगभग लगभग समाप्त हो जाता है, और इसका प्रभाव जनरली 1 साल के बाद देखा जाता है। अच्छा, एक विशेष चीज और है जी। कि अगर कोई व्यक्ति नित्य शिव मंदिर जाता है और शिव जी को जल अर्पण करता है, तो भी ये पितृदोष का जो असर होता है उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जहन में जिनके उत्तर मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, एक्सपर्टीज की राय आप लेना चाहते हैं, लगातार नीचे स्क्रॉल में हमारी ईमेल आईडी साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। मनोज, बहुत ही खूबसूरत बातें आज आपने इस कार्यक्रम के जरिए हमें बताई। एक विशेष बात और जानेंगे, कई बार व्यक्ति जो भी सामान अपने घर में रखता है वो दिशा का अनुरूप नहीं देखा, उसे जहाँ अच्छी लगती है वो वहीं पर रख देता है, स्थापित कर देता है। अब अगर हम बात करें गणपति गणेश की मूर्ति की, प्रतिमा की, तो वो किस दिशा में रखी जाए ये भी आप हमें बताएं। गणेश जी के विषय में मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, और हम अगर उनकी नित्य सिर्फ उनका नाम भी अगर ले लेते हैं, हम अगर किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तो बहुत हद तक हमारे उस काम में कोई अगर परेशानी आने वाली हो, विघ्न आने वाला हो, तो वो नहीं आएगा। और अगर हम बात करें उनको स्थापित करने की घर पर, तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि गणेश जी की प्रतिमा को लोग अपने घर के मेन एंट्रेंस पर स्थापित कर देते हैं, और कई परेशानियाँ उससे होती हैं। इसका कारण मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि गणेश जी को सर्वप्रथम तो वो द्वारपाल नहीं है, क्योंकि अगर वो द्वारपाल होते तो उनको द्वार पर स्थापित किया जाए। और इसके विषय में जो लोग इस बात को अगर नहीं जानते हैं उनको बताने के लिए मैं बताता हूँ कि जब पार्वती माता तपस्या कर रही थी और उन्होंने गणेश जी को अपने द्वार पर खड़ा कर दिया था द्वारपाल बना करके, तो उससे कितना घनघोर युद्ध हुआ था ये सभी लोग जानते हैं। शिव जी के साथ उनका युद्ध हुआ और शिव जी ने उनके
गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। तो इसलिए हमें गणेश जी को कभी भी द्वार पे घर के बाहर एंट्रेंस पर स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर करें भी तो हम घर के अंदर उनको करें और उनका मुख हमेशा घर की अंदर की तरफ हो, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जहाँ देखते हैं वहाँ समृद्धि होती है। तो उनकी जो दृष्टि है वो हमेशा घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। जी, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, ये भी आप हमें बताएं मनु जी। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि कहने के लिए तो ये तीन शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में ही सारा जीवन जुड़ा हुआ है जी। कि हर आदमी चाहता है कि वो सुखी रहे, शांत रहे, उसके उसके जीवन में समृद्धि हो, लेकिन वो नहीं हो पाती है। इसके लिए सबसे पहले तो उसको अपना वास्तु, घर का पूरा वास्तु अगर संभव है तो वो एक बार किसी स्पेशलिस्ट से उसको कंसल्ट करना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी कराना चाहिए, और अगर कुछ उपाय करने के बाद उसका जीवन ठीक होता है तो वो उसको उपाय करने चाहिए। लेकिन बेसिक तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे कि सुख समृद्धि शांति या हम कहें कि धन बढ़ेगा, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आदमी के जीवन में धन उचित मात्रा में है आज कलयुग में तो काफ़ी हद तक उसको कई परेशानियों से समाधान उसका मिल जाता है। तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो घर में जो पोंछा लगाते हैं आप ये कोशिश करिए कि सेंधा नमक ले आइए और सेंधा नमक से आप रोज़ अपने घर में पोंछा लगाइए और उसको बृहस्पतिवार वाले दिन छोड़ दीजिए, नहीं लगाएं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि यही सेंधा नमक आप दक्षिण दिशा की तरफ एक कांच के ग्लास में पानी डाल करके रख दीजिए और उसको एक या दो दिन के बाद बाहर डाल दीजिए, गमले में या बाहर नाली में डाल सकते हैं, और फिर उसको दोबारा रख दीजिए। तो जब ये आप लगातार करते रहेंगे तो इस क्रिया में इतनी ताकत है कि आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे, और अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है, कहीं से आपको पैसा नहीं मिल रहा है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, पैसे से संबंधित परेशानी है, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, दक्षिण दिशा में ही आप एक रेड बल्ब जला सकते हैं। वो रेड बल्ब आप 24 घंटे जला रहे ऐसा स्थापना इस तरह से करिएगा उसकी, और अगर वो ज़्यादा फ्यूज़ होता है बार बार तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में काफ़ी सारे वास्तु दोष हैं, तब आपको ज़रूर किसी वास्तु विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं, जैसे कि आप मोर पंख लगा सकते हैं अपने घर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया एक चीज़, हम वास्तु को शुरू जो करते हैं वो करते हैं एंट्रेंस से, तो सबसे पहले आप अपने घर का एंट्रेंस देखिए। अगर आपके घर का एंट्रेंस उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व में है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको तुरंत चेंज करिए। चेंज करने का मकसद ये कि चेंज आप उस दरवाजे को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, आप क्या करिए उस दरवाजे के सामने, जैसे आप एंट्री करते हैं दरवाजे में, अंदर घर में आप घुसते हैं, तो अगर सामने कोई दीवार है तो उस दीवार पर आप एक उतना ही बड़ा मिरर लगा दीजिए जिसमें कि आपकी परछाई दिखे, और ये आप इस तरीके से लगाइए कि आपकी परछाई की दिशा उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व की तरफ हो जाए। सपोज जैसे पश्चिम की तरफ आपका एंट्रेंस है, तो अगर आप पश्चिम के दरवाजे से घुस रहे हैं और आपने सामने ये लगा दिया शीशा, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आप पूर्व की तरफ से घुस रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंट्रेंस अगर ठीक हो तो आदमी के बहुत सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं। आज अगर हम घर की बातें करें तो बहुत सारे ऐसे सदस्य घर में मिलेंगे जो बीमार रहते हैं, लंबे लंबे समय से बीमारी में हैं और निजात नहीं पा पा रहे हैं, वो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं मनोज जी? देखिए, बीमारी का कारण जो है अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करते हैं तो वह दक्षिण दिशा का वास्तु दोष होता है, कि अगर दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही आदमी जो घर का मुखिया होता है वो वास करता है और वो सोना चाहिए उसको वहाँ, तो उसके कुछ कारण ये देखे जाते हैं कि जैसे या तो वो सही दिशा में सो नहीं रहे हैं, या तो वो उत्तर दिशा में सो रहे हैं या पूर्व दिशा में सो रहे हैं जो पूर्व दिशा का कमरा है, या फिर वो दक्षिण दिशा में भी सो रहे हैं तो उनका सिर जो है वो पूर्व या उत्तर पूर्व या पश्चिम में होता है। तीसरी चीज़ ये कि जो नैऋत्य कोण है, जो मैं साउथ वेस्ट कॉर्नर बता रहा था, अगर वो दूषित है आपका तो भी घर के मुखिया या घर में रहने वाले सदस्य लगातार बीमार रहेंगे, और जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक बीमारी से बाहर निकलने की संभावना नहीं है।
बीमारियों के लिए एक मैं छोटा सा टोटका भी बता देता हूँ जी, आपकी, जी जरूर। कि अगर कोई आदमी लगातार बीमारियों से जूझ रहा है और उसकी दवाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो वो क्या करे, मंगलवार वाले दिन वो कुछ दवाइयाँ परचेस करे। आपको जनरली किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो वो कुछ नॉर्मल मेडिसिंस लिख देंगे आपकी पॉकेट के अनुसार। अगर आपको लगता है 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, जितना आप दान कर सकते हैं, और उन दवाइयों को लेकर के आप मंगलवार वाले दिन ही या शनिवार वाले दिन किसी भी मेडिकल का जो हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, कहीं और जहाँ पर वो इस्तेमाल हो वहां सकती हो, जाकर दी आप जाए। वहाँ जाकर के उनको दान कर दीजिए। बहुत और ये शुक्रिया। आप कुछ हफ्ते अगर लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो दवाइयों का खर्चा था, आपकी बीमारियाँ जो थी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने वास्तु के कुछ और टिप्स बताए हैं ख़ास तौर से घर के मुखिया के लिए, तो वो आप ज़रूर यूज़ करें, जैसे कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोना, रेड बल्ब जलाना, या और भी बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो चीज़ें करना ज़रूरी है। मनोज जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते जैसा कि हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं, आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, आप एक्सपर्टीज से जानना चाहते हैं, कार्यक्रम के अंत में हमारा फ़ोन नंबर साथ ही साथ हमारा ईमेल आईडी याद से नोट कर लीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। नमस्कार।